पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज, मोटरवे के कई सेक्शन बंद, हद निगाह इंतहाई कम रह गई, कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर, मोटरवे M2, M4, M5, M11 ट्रैफिक के लिए बंद, शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज, फोग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, तर्जुमान मोटरवे पुलिस की हिदायत। मौसम ठंडा ठार, बादल बरसने को तैयार, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज से बारिशें मुतवक्के, शुमाली बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान, कोयटा, चमन और चकवाल में हल्की बारिश रिकॉर्ड, पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी, पारा मजीद गिर गया, स्कर्दू में पारा -13, लेह में -11, अस्तौर में, गोपस में -9, हुंजा में -8, पारा चनार में -6, कलाम और गिलगित में -5, कल्ला तो बगरोट में -4 डिग्री पर आ गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब के लिए एतमाद का वोट 11 जनवरी के बाद लिया जाएगा, पीटीआई क़यादत का फैसला, ऐवान में हमारे अरकान पूरे हैं, राबते मुनिस इलाही से हैं, जब तक इनके जानिब से कोई बयान नहीं आता मुकम्मल खामोशी इख्तियार की जाए, शुरका की राय, इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ पर। वज़ीर-ए-आला पंजाब के खिलाफ अदम एतमाद का मामला, नून लीग की क़यादत की लाहौर में आला सतह मुशावरत, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, हिकमत अमली पर गौर, मुख्तलिफ रहनुमाओं को मतवाले और इत्तेहादी अरकान से मुसलसल राबतों की हिदायत, कामयाबी की सूरत में वज़ारत आला का उम्मीदवार कौन होगा, नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका कमेटी फैसला करेगी, शहबाज शरीफ से रुकने पंजाब असम्बली, गयासुद्दीन की मुलाकात, नून लीग में वापसी का ऐलान। मारूफ आलम-ए-दीन मौलाना एहतरामुल हक थानवी अमरीका में इंतकाल कर गए, साहबजादे की तस्दीक, मौलाना गुज़श्ता 6 माह से कैंसर में मुब्तला, अमरीकी शहर अटलांटा में जेर इलाज थे, मौलाना एहतरामुल हक जामे एहतशामिया के बानी थे। आटे के बहरान से निपटने के लिए बड़ा फैसला, पंजाब में फ्लार मिलों के लिए गंदम का योमिया कोटा दोगुना कर दिया गया, वज़ीर आला परवेज इलाही की ज़ेर सदारत इजलास, सूबे भर में हर रोज 10 किलोग्राम आटे के 18,40,000 थैलों की सरकारी रेट पर फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। बल्दियाती हल्का बंदियों पर MQM का 9 जनवरी को शेड्यूल एहतजाज मौकर, अब 11 जनवरी को अवामी ताकत दिखाई जाएगी, मुतहदा कराची में सूबा इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर मुजाहरा करेगी, वफ्द आज फारूक सत्तार को शिरकत की दावत देने उनके घर जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने इंटेलिजेंस इदारे के शहीद डायरेक्टर इंस्पेक्टर के लिए सिविल अवार्ड की मंजूरी दे दी, नवीद सातिक को हिलाल शुजात और नासिर अब्बास को सतारे इम्तियाज दिया जाएगा। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात, नई हकमत अमली बनाने की तैयारियां, जिनेवा में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस कल शेड्यूल, सेक्रेटरी जनरल UN और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मेजबानी करेंगे, सैलाब जदगान की बहाली और आइंदा की हिकमत अमली फ्रेमवर्क का हिस्सा। बहरानों में घिरे आवाम के लिए एक और परेशानी, पनबिजली की पैदावार में 90% कमी, लोड शेडिंग दौरानिया फड़ गया, तरबेला डैम के 15 यूनिट बंद, पैदावार सिर्फ 250 मेगावाट रह गई, मंगला डैम में भी सिर्फ 1 यूनिट फाल। अमेरिका का सऊदी अरब से फिर स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की ख्वाहिश का इजहार, सऊदी अरब के साथ 80 साल से ज्यादा पुराने ताल्लुकात हैं जो अवामी मफाद में जारी रहने चाहिए, मुशीर अमेरिकी कौमी सलामती जॉन किर्बी। चीन में कोरोना पाबंदियों में नरमी, शहरियों का बड़े पैमाने पर मुल्क भर में सफर का आगाज, नए कमरी साल की 40 रोजा छुट्टियों में चीनी शहरी बड़ी तादाद में अंदरूनी मुल्क सफर करते हैं।
पार्क ऑस्ट्रेलिया वुमेन वनडे सीरीज कॉमी टीम ब्रिस्बेन पहुंच गई। ट्रेनिंग सेशन एक रोजा आराम के बाद शेड्यूल। पहला मैच 16 जनवरी को खेला जाएगा।